देश के जाने माने लेखक रस्किन बांड ने घमासान.com को एक मुलाकात में कहा कि वे बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते, लेकिन अंग्रेजी में वे बेसिक लेखन करते हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रकृति का चित्रण करने में हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण को देखकर ही उनके मन में विचार आते हैं और वे उसे अभिव्यक्ति देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रकृति में रह रहे जानवरों और पक्षियों से उन्हें विशेष स्नेह है। यही वजह है कि कई बार वे भी उनके पात्र बन जाते हैं। रस्किन बांड ने यह भी कहा कि उन्होंने भूतों से संबंधित कई कहानियां लिखी है और वे दिलचस्प भी बनी हैं, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा भी गया है, लेकिन इसके बावजूद उनका यह मानना है कि वे भूतों में विश्वास नहीं करते हैं। रस्किन बांड ने यह भी कहा कि उन्हें लिखने का प्रारंभ से ही शौक रहा है और लेखन के शौक के कारण ही वे भारत में बस गए। पहले वे दिल्ली में रहते थे, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और वे चाहते हैं कि वे प्रकृति के नज़दीक अंतिम समय तक बने रहें। उन्होंने यह भी कहा कि वे इंदौर पहली बार आए हैं और उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। बांड ने कहा कि लेखन उनका पहला शौक रहा है और लेखन के प्रति वे शुरू से ही समर्पित रहे हैं।